आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमें ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट में एक कंट्री है, कंट्री में एक स्टेट है, एक सिटी है, जिसमें हम एक छोटे से जीव हैं। पर ये चीज़ आपको अपने एम्बिशन के सामने अप्लाई नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। आपका एम्बिशन बहुत बड़ा होना चाहिए, आपको ड्रीम बड़े देखने चाहिए, और अगर आप बड़े ड्रीम देखेंगे, आपका विजन बड़ा है, तो ही आप मेहनत बड़ी करेंगे। तो आप इन दो फिलॉसफी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था ये सोच के कि भाई क्या करना है, इतने बड़े यूनिवर्स में हमारा तो कोई स्थान नहीं। वो सिर्फ इसलिए है कि जब आप प्रॉब्लम में हो तो हाउ टू टैकल द डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम सिचुएशन, तब आप सोचें कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पर जब आप अपने एम्बिशंस की बात कर रहे हैं, खासकर यंग बच्चे जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया में रहकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर है जिन्हें मोटिवेशन चाहिए, उनको सेल्फ मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। कोई भी आसपास का फैक्टर ना रखें जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि आज घर वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। आज फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। आज एनवायरनमेंट मोटिवेट कर रहा है, नहीं करेंगे। पर नेचर हमेशा मोटिवेट करता है। जब भी आप टायर फील करें, इस तरह के नेचुरल एरिया में आ जाएं, मेडिटेट करें, अपने को ध्यान की मुद्रा में रखें, और आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी लेवल्स और दोगुने हो गए, चार गुने हो गए। कई लोग कहते हैं कि शांत होना चाहिए, काम होना चाहिए, नहीं, आपको वाइब्रेंट होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। आज के डेट में वही सक्सेसफुल है जो वाइब्रेंट है, जो डायनेमिक है, जो शांत हो गया, जो थक गया, जो चुप हो गया, जो हार गया, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं यंग एज में, तो बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वाइब्रेंट रहें, डायनेमिक रहें हर पल। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, यानी 1440 अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, डोंट लिव एनी अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस एनी सिंगल मिनट इन योर लाइफ, बिकॉज दिस वन मिनट कैन चेंज योर होल लाइफ। हर समय आपको वाइब्रेंट, डायनेमिक, अटेंटिव और ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक रहने की जरूरत है, तभी जो सक्सेस पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। क्योंकि जो दिन में 100 लोग आपसे मिलते हैं, आप जिस भी तरह के व्यवसाय में हैं, 99 ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव सेंस की तरफ ले जाते हैं, आपको उनसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप थक जाते हैं। पर शायद दिन में एक ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ दिन में आपको मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, कुछ बड़े विजन के लिए सोचने पर मजबूर करेगा। और वो कहते हैं ना, यदि आप कुछ भी पाने के लिए ठान लो तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए एकजुट हो जाती हैं शक्तियाँ। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए, आपका जो विजन है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो मन है कुछ करने का, वो बड़ा होना चाहिए। लोग बड़े बिजनेस की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपका बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस होना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो कामयाबी मिलेगी, तो आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और एक दिन आप उन 2% लोगों में आ जाएंगे जो कि सक्सेसफुल हैं। बातों को ज़रा गौर फरमाइएगा, अपने जीवन में इसको उतारिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में कोई चेंज आया कि नहीं। थैंक यू।